नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल मर्गी की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, सीख भी देगी ये और कहीं ना कहीं ये अनबिलीवेबल भी लगने वाली है। सीख तो ये बहुत ही खूबसूरत देने वाली है। चलिए देखते हैं कि क्या है ये सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मर्गी ही है। आज ही मेरी आपसे बात हुई, कितनी बढ़िया बात हुई मैम। आई लव यू, थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए। आई लव यू ऑल लॉट, आई लव यू अ लॉट, आई लव यू मोर 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 एंड मोर। आपको पता है मेरा तो डिवोर्स वाला प्रॉब्लम, मैं वर्जिन थी इसलिए बस वो लोग मुझसे डाउरी मांगते थे और उसी के लिए वो मुझे बहुत ज़्यादा मारते भी थे, बहुत ज़्यादा सहा मैंने। ये पूरी बात आप ज़रूर बताइएगा सबको। हाँ, मर्गी ने बहुत ज़्यादा सहा है डाउरी के लिए, उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा मारते थे। इसलिए आपके पास अगर ऐसी कोई भी फैमिली आती है जो कुछ शर्तें रखती है, कुछ मांगने की बात करती है, तो ये इलीगल है, बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए, भले ही आपको वो इंसान कितना भी पसंद क्यों ना आ जाए। वो आपकी बेटी के लिए भी सही नहीं है, आगे चल के उनका लालच और बढ़ता ही चला जाएगा और यह आपके लिए भी सही नहीं है। जिसकी शादी हो रही है ये उसके लिए भी सही नहीं है, वो कितना सहेगी, कितना झेलेगी। इसलिए अगर शुरू में कोई भी आपसे इस तरीके की चीजें रखता है तो पहले ही कदम पर ना उसको बोलिए जयराम जी कि निकल लो, तुमसे नहीं करनी शादी, चलो हो गया, क्योंकि तुम बिकाऊ हो। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शुरू में अपने आप को बिकाऊ दिखाते नहीं हैं, पर वो बिकते हैं बाद में। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि वो फिर आपसे पैसा वैसा मांग रहे हैं, सीधा बात कीजिए, ठीक है, ये इल्लीगल है, ये क्राइम है। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो आपके लिए कोई और खड़े होने वाला नहीं है, उनके लालच को आप खुद बढ़ावा देंगे अगर आप सहते हैं और बार बार मांग करके लेके आते हैं। आपका घर कोई बैंक नहीं है और आप उनके घर गए हैं, वो सबसे बड़ी चीज है, जीती जागती प्रॉपर्टी, जीती जागती इंसान, जीती जागती बेटी, आपकी अपनी एक वैल्यू है। अपनी वैल्यू को नीचे गिरा करके अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के लिए। आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ऐसे इंसान को आपको छोड़ देना चाहिए और कंप्लेन करना चाहिए। आज हिंदुस्तान इस वजह से बेचारा और पिस रहा है क्योंकि यहां की बेटियां बोलती नहीं हैं, आधा समाज के चक्कर में पिस जाती हैं, आधा इसलिए पिस जाती हैं क्योंकि घर वाले उनका सपोर्ट नहीं कर रहे होते। घर वाले आपका सपोर्ट कब तक करेंगे, अब आप बड़ी हो गई हैं, अपना सपोर्ट आप खुद कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो वहां पर मरने की जरूरत नहीं है, निकलिए। ऐसी हजारों लाखों आपको लड़कियां मिल जाएंगी जो निकली हैं और खुद का सपोर्ट उन्होंने खुद किया है। और मर्गी की बेहतरीन कहानी रही है, मर्गी निकली है वहां से। मैंने कितने ही हाथ पैर जोड़े पर वो नहीं आया। और एक साल के बाद अचानक से आते हैं वो सब लोग और नेगोशिएट करने के केस में ही आते हैं। मैं चाहती थी कि मैं डिवोर्स मैनिफेस्ट करूं पर वो अपने आप ही सामने से आए और वो सब कुछ खुद सामने से ही खत्म करें। यूनिवर्स सब जानते हैं कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रेस में थी, मैं थक चुकी थी इन सारी चीजों से। इस बीच में एक अच्छी बात हुई कि मेरा कॉन्टैक्ट हुआ अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से जो कि मेरे घर के एकदम सामने ही रहता है। दिल्ली में हम दोनों जॉब करते हैं, हम लगभग 17 साल से एक दूसरे के नेबर हैं और बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। कभी आमने सामने हम दोनों की बात नहीं हुई पर एक मन में फीलिंग थी पड़ोसी वाली कि हाँ, हम पड़ोस में रहते हैं और एक तरह से एक दूसरे के दोस्त हैं। बस एक दूसरे को हमने देखा ही था और अपने घर में चले जाया करते थे। फिर मैं हॉस्टल चली गई, फिर मैं दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए चली गई। पढ़ने के लिए जब मैं आगे गई
और उसके बाद में मेरी शादी की बात चली। मेरे घर में मेरी दादी की इच्छा थी मैं उसके बारे में एक बार सोचूं जो हमारे सामने रहता है। तब मेरे मन में उसके लिए कोई प्रॉपर फीलिंग आई थी, जैसे कि शायद मैं उसे लाइक करती हूँ। पता नहीं, अभी भी मुझे याद नहीं है कि मेरा और उनका कोई कांटेक्ट फोन पर हुआ तो वो कैसे हुआ था। हमने थोड़ी सी बात भी की थी, मैंने तो पूछा भी कि वो शादी के लिए क्या सोचते हैं, पर तब उनका करियर सेट नहीं हुआ था और वो बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो गए थे मेरे इस सवाल से। और उन्होंने मुझे कहा कि वेट, बट वेट मींस बाद में वो आएगा भी कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ होने वाला भी है कि नहीं होने वाला है, इसलिए वो सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आए। और उसके बाद में मेरी फैमिली ने मेरी शादी कर दी। उस टाइम पे मैं पागल थी कि मैंने सब के सब कॉन्टैक्ट्स जो थे वो तोड़ दिए, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। पता नहीं क्या मुझे लगा, वेट मीन्स वो जैसे कि नहीं आएगा। एंड देन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। इस बीच जैसे उसको मेरी शादी का पता चला, वो अपनी सिटी छोड़ करके चला गया। देन हमने कभी भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। फिर बहुत सालों के बाद उसने शादी की, उसकी फैमिली ने भी उसकी शादी कर दी। एक साल के बाद में उन दोनों का भी डिवोर्स हो गया। उनकी वाइफ ने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ही शादी की थी, ताकि उनकी वाइफ का उनके साथ में डिवोर्स हो जाए और वो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर सकें। देन इस लॉकडाउन में यहाँ घर पर हम आए थे, अपने ही घर पर 1 महीने तक मैंने देखा कि मैं यहाँ पर हूँ और ये उन्होंने भी नोटिस किया। फिर वो वापस चले गए। एंड देन जाने के 1 वीक के बाद में मेरे फेसबुक पर उनकी रिक्वेस्ट आई एंड हम दोनों के बीच में बात शुरू हुई। वो शॉक्ड हो गए कि ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ और मैं तुमसे बात करता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास में कोई भी नंबर नहीं है आपका, तो मैं कैसे बात करूँगी। तो उन्होंने मुझे उनका मोबाइल नंबर भेजा और बताने के लिए इतने सालों के बाद भी मेरा ये जो नंबर है ये उनके पास था, मैंने ही सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए थे, मेरे पास उनका नंबर नहीं था। देन बात देखो मैम, हमने जो एडवोकेट रखे हुए थे वो भी इत्तफाक से एक ही निकले। बाय चांस ऐसा हमें बाद में पता चला और हम दोनों ही शॉक्ड हो गए। मेरे साथ जिस दिन फाइनल फाइनल होना था, उसी दिन उनका भी फाइनल होना था उनकी वाइफ के साथ कोर्ट में। हम दोनों सेम ही दिन, सेम ही जगह, सेम ही लॉयर के पास में जा रहे थे। सिर्फ हमारी शादी के जो ईयर थे वो डिफरेंट थे, उसका 1 साल पहले और मेरा बाद में। इस तरीके का डिवोर्स फाइलिंग का कुछ सिलसिला था। बाद में वो हमने बाद में इन सब के बाद में हमने तभी बहुत सारी भूल की थी एक दूसरे को समझने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए। काश मैंने वो गलती ना की होती और ऐसा ना समझा होता। लेकिन वो इंसान तो आज भी मेरी केयर करता है, आज भी मेरी कद्र करता है, वो मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स मी। कभी कभी मैं ही डेस्परेट हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ में क्या हुआ है, लेकिन अब मैं अच्छा फील करती हूँ। अब मैं डेस्परेट होने की और इस तरीके से इमोशनल होने की कोशिशों से बचती हूँ, क्योंकि काफ़ी हुआ है लाइफ में। हम दोनों ही प्यार को डिजर्व करते हैं, केयर को डिजर्व करते हैं। और वो मुझे बोलते हैं कि तुम पहले अपना सारा का सारा काम खत्म कर लो, हम दोनों पूरी तरह से पेपर वर्क से फ्री हो जाते हैं। और कभी कभी यही बात बोलते बोलते वो बात को बंद कर देते हैं। आई एम रियली वेरी लकी कि मैंने उनको वापस दोबारा पाया, वो भी बहुत ज़्यादा चोट खाए हैं अपनी मैरिज में और मैं भी बहुत ज़्यादा चोट खाई हूँ, और मैंने उनको फाइनली ढूंढ लिया। आई डोंट नो क्या होगा आगे, बट मैं ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स की कि उन्होंने मुझे मेरी वर्थ सिखाई, कि
एक साल मैंने गंवा दिया है, लेकिन अब मैं एक पल भी अपना नहीं गंवाना चाहती। आई नो मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, आई नो वो भी बेस्ट डिजर्व करते हैं, और हम दोनों ही बेस्ट डिजर्व करते हैं। मेरी लाइफ सचमुच में ब्यूटीफुल हो रही है। आई लव यू सो सो मच। हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए मैं उनको भी ये बोलना चाहती हूँ, आई लव यू सो सो मच। मेरी वर्थ मुझे वापस दिलाने के लिए आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू महादेव, आई लव यू यूनिवर्स आपने मुझे संभाला, आई लव यू पेरेंट्स, आई लव यू। मर्गी के शरीर पर बहुत सारी चोटें हैं, उसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान हैं। जिन चोटों के निशान को गायब करने के लिए उसने मुझसे एफर्मेशंस मांगी, उसने इतनी मार खाई, उसने उन चोटों को अपनी बॉडी में से दूर करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना कैसे करना है ये भी पूछा मुझसे। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उससे बात करते करते, मुझे बहुत दर्द हुआ था सुन करके कि किसी को इतनी चोट लगी है कि उसके शरीर पर दाग हैं, उसके शरीर पर दाग हैं, वो कितना डर रही है अब एक नए रिश्ते में जाने के लिए। हालांकि मैंने उसको समझाया, उसको कहा कि तुम खुद को हील करो, अब वो बहुत हील हो चुकी है, बहुत ज्यादा हील हो चुकी है। लेकिन समझिए, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से निकल रही हैं ना, तो निकल जाइए, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप मार खाते हैं तब आपको समाज बचाने नहीं आता है, फिर ऐसे समाज के बारे में क्यों सोचना है? जब आप पिट रहे होते हैं तब ये सारा का सारा समाज कहाँ जाता है? और जिस इंसान के अंदर इतनी दया की भावना नहीं है ना कि वो किसी इंसान को कुछ भी समझ करके पीट देगा, जैसे कि वो पत्थर है, तो वो जो दाग होंगे ना वो बहुत बुरी तरीके से अंदर समा जाएंगे। मर्गी और ऐसी पता नहीं कितनी हजारों लड़कियां हैं जो इस तरीके का पेन जो होता है वो बर्दाश्त करती हैं। पेरेंट्स को इस तरीके की चीजें अपनी लड़कियों को नहीं सिखानी चाहिए कि अब वही तुम्हारा घर है, चाहे तुम जियो चाहे तुम मरो। और लड़कियों, अगर आपने ऐसा सीखा भी है तो ये भी सीखा है आपने कहीं ना कहीं कि जहां पर करना गलत है वहां सहना भी गलत है। निकल सकते हो तो निकल जाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट बनो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो ये बोलते हैं अब हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है, तो क्या हुआ? शादी तो आप अकेले ही करके गए थे ना, जब उस परिवार के सारे अत्याचार आप अकेले से झेल सकते हो, तो क्या अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आप अकेले खड़े नहीं हो सकते? जब आपके जैसी बेटियां, आपके जैसी लड़कियां ऐसा करना शुरू करेंगी ना, तो हिंदुस्तान बदलना शुरू हो जाएगा। हमें खुद को खड़े होना पड़ेगा, हमें अपनी बच्चियों को इस तरीके की परवरिश देनी होगी, और बहुत ज्यादा फूंक फूंक करके कदम रखने होंगे। देखना होगा कि कोई बिकने के लिए तैयार है तो हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है, हमें बिकाऊ माल नहीं चाहिए भाई। ऐसे दूल्हों को एक सेकंड में चुटकी मार करके बाहर निकाल देना चाहिए, भले ही फिर वो कितने भी उसके अंदर सूर खाब के पर क्यों ना लगे हों, दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान क्यों ना हो, पूरी दुनिया में वो इकलौता क्यों ना बचा हो, तब भी मेरा यही कहना है उसको निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो बिकाऊ है। मार्केट में बैठा है वो दूल्हा, उसकी बोली लगेगी। तो मैं कहती हूं ऐसे दूल्हे को अकेले ही रहने दो, तू बोली लगवा आप ऊपर बैठ के। ये हमें समझना होगा भाई, हम पेरेंट्स को भी समझना होगा और लड़कियों को भी समझना होगा। आप मम्मी पापा की इज्जत, समाज की इज्जत, ठीक है ओके, इज्जत हम करते हैं मम्मी पापा की, लेकिन क्या हमारे ऊपर अगर इस तरीके के डंडे बरसाए जाएंगे, हमें इस तरीके से मारा जाएगा कि कल को चोट के घाव हमें
हटाने पड़ेंगे, वह सालों साल लग जाएंगे और हम डरते हैं कि वो घाव ना दिखें। क्या करना है यार ऐसी इज्जत का, मुझे बताओ। हमें बेइज्जती नहीं करनी है, हमें प्यार करना है अपने माँ बाप से, हमें समाज से भी प्यार करना है। लेकिन अगर वो हमें बचाने नहीं आ रहे तो हम खुद को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, तैयार हैं। और लड़कियों को भी ऐसी लड़कियों का साथ देना चाहिए, औरतों को ऐसी औरतों का साथ देना चाहिए। देखिए आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है क्या, हेल्प करें उनकी। वो अगर दबी कुचली है ना तो हेल्प करें उनकी, उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ दें। बहुत कहानियां ऐसी होती हैं जहां लड़की मर भी जाती है, हमारे तक कहानी नहीं आती क्या हुआ उस इज्जत का, क्या हुआ उस पगड़ी का, क्या हुआ उस समाज का। ऐसे लोगों को अगर हम शुरू में ही मना कर देते हैं तो ये सारी चीजें एक लड़की के साथ होनी बंद हो जाएंगी और दूल्हे बिकना बंद हो जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, मर्गी की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे रही है, समाज को हिलाने वाली। अभी भी हम एक कुरीति को लेकर के चल रहे हैं, अभी भी हम दहेज प्रथा को लेकर के चल रहे हैं जो कि एक क्राइम है, इल्लीगल है, उसके बाद भी हम कर रहे हैं। नहीं 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 बड़ा अच्छा लड़का है, हमारी लड़की खुश रहेगी। लड़की खुश रहेगी वो बिकाऊ आदमी के साथ में, कमॉन। और आप अगर लड़की हैं ऑलरेडी और आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स बिकाऊ दूल्हा सेलेक्ट कर चुके हैं, तो प्यार से घर में बैठ करके मना कीजिए, यह मरके की कहानी सुनाइए उनको। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। मुझे आज भी याद है क्योंकि जब मर्गी से मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो मुझे याद है कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। और जिन भी लड़कियों ने ये दिन देखे हैं ना या जो देख रही है ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकती हैं, उन्हें पता है कि क्या हो रहा होता है। खैर अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे प्लीज कीजिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। अगर आप अपने आप से करेंगे तो ये अपने साथ कभी नहीं होने देंगे। आई लव यू ऑल, आई लव यू मर्गी, आई लव यू।